नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेणू हाइडिया, इंदौर एमपी से हूँ। रेणू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 अप्रैल 2014 को लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनके उपदेश लेने से पहले देवी देवता भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु, ये सारे हम भक्ति किया करते थे। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें हम करते थे। व्रत रखना, उपवास रखना, सारी चीज़ें करते थे। मैं जी, आपने बताया कि आप तीर्थ करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में जाती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे बीमारी के चलते हमें नाम उपदेश लिया। सन 2011 से ही मैं बीमार रहने लग गई थी और इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी मैं कि शायद ही मैं ठीक हो पाती वापस। बेड पे लेटे रहना, चल भी नहीं पाना और बहुत मुश्किल से ही खाना पीना हो पाता था। मम्मी सिलाई करते हैं, वो जिन शॉप पे सिलाई करते हैं उनके पास में ही एक गैरेज है, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे उनकी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। तो वो अक्सर मतलब मम्मी से सिलाई वगैरह का रेट पूछने के लिए शॉप पर चर्चा हो जाती थी मालिक की कि आप जिन भगवान को पूज रहे हैं वो समर्थ नहीं है। तो चर्चा में ये मालूम होता था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे बरवाला में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है। वो पूरी बात सुनते नहीं थे मम्मी, लेकिन वो तो देखेंगे। अक्सर वो आते थे और अक्सर ऐसे चर्चा होती थी। और इस बीच में मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, 2011 से ही काफ़ी बीमार रहने लग गई है। तो उनने फिर बोला कि इनको बरवाला लेके चलो, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज इनको अच्छे से पूर्ण मतलब जो बीमारी सब खत्म कर देते हैं, वो शारीरिक सुख देते हैं और जितने भी आपके दुख हैं उनका निवारण करते हैं। तो मम्मी ने ठीक है देखेंगे। फिर 2012 तक आते आते मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर ने मेरी बीमारी पकड़ी जो इंदौर के MY हॉस्पिटल के थे, उनने बोला कि इसको बोन TB हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि TB के लक्षण तो ऐसे होते हैं जैसे खांसी में खून आना वगैरह, तो इसको तो कुछ आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बोन TB ऐसा रहता है कि उसमें हड्डियों में कीटाणु लग जाते हैं और वो हड्डियों का पानी बनाते और वो पूरी गला देते हड्डियाँ और इसकी लास्ट स्टेज चल रही है। उस टाइम पे मेरी पीठ में करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है और इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। तब भी उन भगत जियों ने जो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, उनने बोला कि एक बार इनको बरवाला ले चलो। तब भी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इसे पहले ऑपरेशन करवाऊंगी। और डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन भी सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है, या तो कमर के नीचे पैरालाइज हो जाएगा या एक कोमा में चले जाएगी, कुछ भी हो सकता है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन सक्सेस होता है तो हम लोग बरवाला जाके नाम लेंगे। और फिर उस दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ, ठीक है, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम पे भी, लेकिन पीठ में पानी मेरे भरती जा रहा था ऑपरेशन के बाद भी। दोबारा से दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि इसका फिर से ऑपरेशन करना होगा। मम्मी कहा कि थोड़े दिन पहले तो हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसके जो कीटाणु पूरी तरह से क्लीन तो होते नहीं है शरीर में से, लेकिन उसका पूरा साफ करने के 3-4 बार ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मली जिनको भी होता है उनके कराने होते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़ोर से होने लग गई थी कि कितनी बार मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। फिर मम्मी ने बोला कि अब नाम दीक्षा लेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उस दौरान मेरे को मम्मी ने बोला कि ऐसे से बरवाला में संत आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेनी है। तब मैं नीच आत्मा ने मैंने मना कर दिया कि मम्मी आप कहाँ तक मेरे को लेके जाओगे, तुम जिन जिन को भी बताती हो वो बताते कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, झाड़ फूँक वालों के वहाँ ले जाती हो, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने बोला कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और मेरे को भी बताओ कि क्या लिखा हुआ है। किताब दी भगत जी ने, तो जब मैंने पढ़ी तो 2-3 पेज पढ़े तो इंटरेस्ट आने लग गया कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होती है, तो ये तो कहीं पे भी नहीं किसी ने बताया था। फिर उसको पढ़ते पढ़ते मैंने करीबन 5 दिन में पूरी किताब पढ़ दी और मतलब अंदर से ही तड़प जगी कि मतलब नाम लेना संत जी से। मतलब अगर धरती पे अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है और बरवाला में बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी साहब तुरंत अपन को नाम लेना है, क्योंकि जिन देवी देवता की अपन शुरू से पूजा कर रहे हैं इतने साल हो गए, 3 साल से मैं बीमार थी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। और करीबन मम्मी इतनी पूजा पाठ करती थी हमारी, इतना पूजा पाठ करती कि रेगुलर मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, जो भी नवरात्र आ रहे सबकी पूजा करना, सब कुछ करना, टोटल चीज़ें जितनी थी सब करी मम्मी ने और मैंने भी। फिर भी किसी भी देवी देवता ने मतलब मेरी बीमारी ठीक नहीं करी।
फिर उसके बाद हम लोग नाम दीक्षा लेने के लिए 1 अप्रैल 2014 को बरवाला पहुंचे सतलोक आश्रम। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज आश्रम ने नाम लिया। बेंजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ काफ़ी हुए हैं, अगर उनको मैं बताऊंगी तो शायद ही बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ, शारीरिक लाभ, जैसे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि बोन टीवी मेरा जो राइट हैंड साइड का पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, मतलब चल मैं अपने आप से कभी पाती नहीं थी, कुछ भी काम के लिए मुझे मम्मी की हेल्प लगती थी और बिल्कुल चलने के बावजूद नीचे ज़मीन पर भी मैं नहीं बैठ पाती थी। 10 से 12 करीबन डॉक्टर हम लोग बदल चुके, तो किसी को भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या आखिर। और उस दौरान झाड़ फूक वाले मंदिर वगैरह सारा ही कुछ मम्मी जो लोग बोलते थे वहाँ जाती थी, मम्मी जिनने जो बता दिया वहाँ चली जाती थी कि इसको उस मंदिर ले जाओ, आपकी लड़की बीमारी इसको वहाँ ले जाओ, तो सारे ही कुछ लेके चले गए हो चुका था। फिर भी कोई आराम तो कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से मेरी दिन पे दिन हालत बहुत बिगड़ते आ रही थी। और बोन टीवी के जरिए जो हड्डियाँ मेरी गल रही थी उसका पानी मेरी पीठ में इकट्ठा होते आ रहा था, करीबन 2 से 3 लीटर पानी भर चुका था, चलना भी मुश्किल होता था, खाना पीना सब बंद हो चुका था, पूरा ही मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी। और डॉक्टर के पास जब गए, उन्हें जब बोला कि इसको ऑपरेशन कराना है, तो वहाँ पे ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्हें 3 पेज पे साइन करवाया, या तो ये पैरालाइज हो जाएगी कमर से नीचे तक का, या कोमा में जा सकती है क्योंकि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी मालिक जो भी मम्मी जिनको पहले मानती थी वो संभाल लेंगे। और मम्मी को संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी उनके अनुयायी ने बता रखे थे, तो उनने बोला था कि अगर मेरी लड़की का ऑपरेशन सक्सेस होता है तो मैं नाम दीक्षा बरवाला है कि सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से लूँगी। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद भी मुझे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट दे रखा था, पीठ से लेके कमर तक का एक बेल्ट बना दिया था लकड़ी का कि अगर उसको बैठना है तो पहन के बैठना ही, उसके बिना मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते हो बिना बेल्ट के। तो वो पूरा बेल्ट पहन के ही मैं खाना खाती थी, बैठती भी थी तो मम्मी मुझे उठा के बिठाते थे, मैं चल नहीं पाती थी खुद से। और उसके बाद भी पानी भराते जा रहा था क्योंकि नाम उपदेश हमने 1 अप्रैल 2014 को लिया था, 15 दिन पहले हम लोग डॉक्टर को फिर रिटर्न दिखाने गए कि पीठ में पानी भरा रहा है, तो डॉक्टर ने उनके अकॉर्डिंग ट्राई किया कि ऐसे ही निकल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता, डॉक्टर ने बोला कि इसका दोबारा से ऑपरेशन करना होगा। मम्मी ने बोला कि अभी तो थोड़े दिन पहले ऑपरेशन करवा चुके हम लोग, तो उन्होंने बोला कि आपका जो लड़की का बीमारी है वो ऐसे ठीक नहीं होगा, उसके जो हड्डियों में कीटाणु लग चुके बोन टीवी के वो हड्डियाँ गलाते और वो उनका कीटाणु का काम चल रहा है, वो पानी बना रहे, जब तक 3-4 ऑपरेशन से क्लीन हो जाते पूरी बॉडी। तो उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत तेज़ रोना आ गया था कि मैं इतना ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है ऑपरेशन नहीं करवाना हमको, मम्मी ने मेरे को बोला कि अपन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे बरवाला जाके सतलोक आश्रम से, उसी के बाद फिर जो होगा फिर देखा जाएगा, अब भी अपन नाम लेने चलेंगे। तो हम लोग फिर सतलोक के बरवाला आश्रम गए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से हम लोगों ने नाम लिया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम उपदेश लिया हम लोगों ने, मतलब काफ़ी मतलब आश्रम का भी मैं अगर वर्णन करूं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे सबको देख के वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग दूसरे आश्रमों से। उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला से जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके जब हम लौट रहे थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3-4 ऑपरेशन और करवाने होंगे, बट संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद ही जब हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में ही बस में जो ब्रेक लगा था, फिर मेरे पीठ मतलब पूरा गीला गीला हो चुका था, तो मैंने मम्मी को बताया कि ये पूरा कपड़े गीले हो चुके मेरे पीछे से, तो मम्मी देखा कि जो तुम्हारा पानी भरा हुआ था वो पूरा निकल गया है। तो मतलब उस टाइम हैरान थे कि जब डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि ऐसे या तो सिरिंज वगैरह से निकल जाए, तो नहीं निकल रहा था, वो ऑपरेशन का ही बोल रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे निकल गया। तो दोबारा से मुझे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डॉक्टर को भी चेक करवाया बट कोई ऑपरेशन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 से 4 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे आपको जब तक क्लीन नहीं हो जाता है। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने जब नाम लिया था दिन में, जब उनने आशीर्वाद भरा हाथ रखा था, वो ही याद आ रहा था कि ये चमत्कार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते, ये
किसी डॉक्टर के या किसी झाड़ फूक वाले की बस की बात नहीं है। ऑटोमेटिक पानी निकलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद ने बोला कि इसका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा एक दो दिन में वो भी, और हम सिर्फ नाम लेके आ रहे थे और पूरा पानी। उसके बाद से मतलब इंदौर जब मैं पहुंची तो एक भी मतलब बीमारी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी थी या फिर मेरा लास्ट स्टेज चल रहा था। और मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी वो भी मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मुझे कम से कम 3 से 4 साल दवाई खानी है, और मैंने सिर्फ 2 साल दवाई खाई है, नाम उपदेश लेने के बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। सेकेंडली मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप अगर खट्टाई खाओगे तो वो आपके लिए जहर है, क्योंकि मेरे एक्सरे में मेरे को जो शरीर में गिठाने भी हो चुकी थी बोन टीवी के कारण, तो वो अलग ही जैसे अंगूर के गुच्छे होते वैसे दिखती थी एक्सरे में। तो जैसे ही खटाई खाती थी तो वो फूट के शरीर से बाहर निकलती थी, अगर कहीं पे भी हो वो पस पड़ के निकलती थी, वो बहुत गंदी निकलती थी। तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि अगर आप खाओगे ये आपकी ज़िंदगी के लिए जहर है। और आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं कैसे भी खटाई खा लूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कैसे भी चल लूँ कैसे भी बैठ लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैर में, यहाँ तक कि मैं आराम से दौड़ लगा सकती चल सकती हूँ। मेरा जॉब छूट गया था मेरी बीमारी के पहले, मैं जॉब करती थी, मेरा जॉब छूट गया था, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक जॉब है, अच्छा अच्छी सैलरी है, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी है। ये MRI करवाया था, इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि पीठ के पीछे काफ़ी पानी भरा गया था, पूरा उभरा हुआ दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं पूरा क्लियर पानी भरा हुआ दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मैं एक स्वस्थ ज़िंदगी महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने टाइम से बीमार थी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी कि मैं फिर से ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि लगभग लगभग ऑपरेशन के बाद भी सारा ही मुझे लगता नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, ना मैं चल पाऊँगी, ना मैं फिर से जॉब कर पाऊँगी या कुछ पढ़ाई कर पाऊँगी या कुछ कर सकती। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है, उनने नाम उपदेश लेके मुझे एक जीवन दान दिया है, और फिर से मैं चल पाती हूँ बैठ पाती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं एक तरीके से मैं अपनी मम्मी पर डिपेंड हो गई थी कि कुछ भी खाना पीना कहीं भी जाना उनके सहारे ही करना होता था मुझे, लेकिन मैं आज खुद के ऊपर इंडिपेंड हूँ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी, दया बख्शी मुझ पर। उसके बाद आर्थिक लाभ हुआ है घर में, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए मतलब प्रॉब्लम होती थी, कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पाता था, क्योंकि जॉब भी छूट चुका था, मेरे फादर भी नहीं, मम्मी सिलाई करते थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे हर चीज़ के लिए। बट संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सारी चीज़ें मतलब आगे से होती है, कि खुद ही मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से खुद ही आगे से हो जाती है। कुछ भी चीज़ आपको अगर चाहिए होती है, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ खुद ही आगे से होती है, अच्छी जॉब है तो सैलरी भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छे से होता है, मतलब कुछ भी परेशानी नहीं है। जैसे मतलब इतने एक शारीरिक बीमारी तो थी, आर्थिक लाभ के आर्थिक दुख भी इतने ज़्यादा घेर चुके थे हमको कि पूरा जीवन जीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज हम पूरे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो नाम उपदेश मिला है सुखी हैं उनके द्वारा हम लोग, और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उसके बाद एक और लाभ हुआ मुझे सन 2017 में, मम्मी को एकदम से ही मतलब उनका तबीयत बहुत वीक हो गई थी, अदर डाउन हो गया था उनका पूरा, और उनको सिर्फ 5 ग्राम खून बचा था। जब वो डॉक्टर के पास गई कि मतलब मेरे पैर में स्वेलिंग रहता हमेशा, तो डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट जांच वगैरह करवाई, तो रिपोर्ट में आया कि 5 ग्राम खून है, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम खुद से चल कर कैसे आए, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग बहुत बिजी रहते थे, मम्मी खुद से ही चल के गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खुद से चल के कैसे आ रहे हो, 5 ग्राम खून जिनका रहता है वो लोग बेड रेस्ट करते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। तो मम्मी ने कहा मेरे को तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, तो इसकी मैं सोचा कि दिखा लूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था कि 5 ग्राम खून है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज की वहाँ पर भी बहुत दया हुई कि मतलब 5 ग्राम खून होने के बाद ही मम्मी चल पाती थी, उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट करा डॉक्टर जी ने, तो फिर वो पूरी तरह से ठीक है, आज वो भी बहुत ठीक है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपको बोन टीबी थी, डॉक्टर ने कहा कि आपका बोन टीबी लास्ट स्टेज पर है, आपका ऑपरेशन होगा, फिर आप जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो जाओगी, आपके बचने की उम्मीद भी ज़्यादा नहीं थी। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बगैर ऑपरेशन के ठीक किया। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी मम्मी को भी सुख दिए और आपको भी सुख दिए। पहले आप दूसरों पर निर्भर थी, आप खुद नहीं खड़ी हो पाती थी, और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर रही हैं। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपको जिस भी प्रकार की बीमारी है वो
बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बरवाला वाले सतलोक आश्रम में ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप जितने भी डॉक्टर को दिखा लोगे कि वो इलाज तो कर देंगे लेकिन पूरी तरह जड़ से ठीक नहीं होती कोई सी बीमारी। ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देख लिया, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, डॉक्टर ने अगर ठीक भी कर दिया, कोई ऑपरेशन भी कर दिया, तो भी वो बनी रहती है, वो पूरी तरह ठीक नहीं होती है। और जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज की वहाँ जाने से, तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर जिस भी प्रकार की बीमारी है तो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं धरती पे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा साधना टीवी वगैरह जितने भी चैनल आते हैं, आध्यात्मिक चैनल आते हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उन्हीं में नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप दे सकते हैं, जब भी आप सत्संग देखेंगे तो वहाँ पे नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी एरिया पे हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, तो उस स्टेट से आपको आप एक बार कॉल करेंगे, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप और नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप यहाँ से संत रामपाल जी महाराज से आप उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद जी।